हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुरुषोत्तम ब्लॉग में। दोस्तों फिलहाल मैं सुल्तानगंज का रास्ते का आपको अपडेट करा रहा हूँ। फिलहाल मैं रास्ते में आ चुका हूँ। यहाँ पर कांवरिया पथ का क्या होता है, कांवरिया पथ का जानकारी के लिए बिल्कुल आपको मैं वीडियो का अवगत करा रहा हूँ। और देख सकते हैं जो कांवरियों का जो भीड़ बना हुआ किस प्रकार बना हुआ है। मेन गेट के पास मैं खड़ा हूँ। कांवरिया बहुत सारा देखते आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल बना हुआ है कांवरिया का जो बिल्कुल बनी हुई है। बोलबम का यात्रा के लिए सभी कोई निकल पड़े हैं और सब कोई हर हर महादेव का नारा गुंज उठाए। देख सकते हैं मेन गेट के पास खड़ा हूँ, कांवरियों का जो भीड़ बना हुआ लगे आ रहा है। तो बिल्कुल आपको वीडियो की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो बिल्कुल मिलता रहे और वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको बिल्कुल जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को फुल बात कीजिए कंटिन्यू जानकारी के लिए। और देखिए बाबा धाम में कैसे कांवरिया आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल मैं कांवरिया पथ पर आ चुका हूं। चलिए अब आपको बैक कैमरे से बिल्कुल दिखा रहा हूं, सारे कांवरिया बिल्कुल कतारबद्ध होकर लाइन पे जा रहे हैं और बिल्कुल यहां का नज़ारा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। चलिए देख सकते हैं कांवरिया का जो भीड़ बना हुआ है किस प्रकार बना हुआ है। मेन रास्ते में ये दर्शनिया मोड़ के पास है और चलिए बैक कैमरे से बिल्कुल यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। सभी कांवरिया बिल्कुल लाइनबद्ध होकर कतारबद्ध होकर आ रहे हैं, सभी कोई बाबाधाम की तरफ से बढ़ रहे हैं। सुल्तानगंज से लेकर ये कांवरिया बिल्कुल जल उठाए हैं और यहाँ फिलहाल अभी बाबाधाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ का नज़ारा बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ। सभी कोई कैसे थकानी सा महसूस कर रहे हैं, बोलबम सब कोई कांवरिया बिल्कुल थके हुए हैं और सभी कोई थकानी जैसा महसूस कर रहे हैं। और चलिए बिल्कुल आपको यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे सभी कोई लाइन में लग करके आ रहे हैं और लगभग तकरीबन ये सब बाबा धाम पहुँच चुके हैं कांवरिया बिल्कुल। बोलबम बोलबम और सभी कोई लगभग ये बाबा धाम पहुँच चुके हैं और सभी कोई बिल्कुल कंधे में जल लेकर के कांवर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपको आगे का नज़ारा बिल्कुल यहाँ से दिखा रहा हूँ और आगे का माध्यम से चलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। देख सकते हैं कांवरिया पथ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ और कांवरिया जो है बिल्कुल कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, कैसे लाइन पे बने हुए हैं, बिल्कुल इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लगभग ये सभी कोई बिल्कुल बाबा धाम के लिए जल की तरफ बढ़ रहे हैं और एक एक करके लाइन में लगे हुए हैं और ये नज़ारा बिल्कुल यहाँ का मैं आपको सामने की ओर दिखा रहा हूँ। मोड़ पर देख सकते हैं जो बिल्कुल रास्ते का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है और कांवरिया सब बिल्कुल बने हुए हैं और लाइन में लग करके सभी कोई बिल्कुल बाबा धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार जो लाइन का जनसलाप लगा हुआ है, देख सकते हैं बिल्कुल एक एक करके जो लाइन का जनसलाप लगा हुआ है कैसे कांवरियों का बिल्कुल है आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको नज़ारा यहाँ का बिल्कुल दिखा रहा हूँ। कुछ कांवरिया थक भी गए देख सकते हैं, उनको थकाने सा महसूस हो रहा है और बहुत सारा बिल्कुल आ रहे हैं जा रहे हैं। चलिए लाइन पर नज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं लगे हैं बिल्कुल और सभी कोई बिल्कुल कतारबद्ध में होकर के देखते हैं कैसे भीड़ लगा हुआ है। एक एक करके सभी को बोलबम 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 बोलबम। तो चलिए देख सकते हैं कांवरियों का बिल्कुल यहां पर सभी कोई झंडे लेकर के जो है महाकाल का झंडा ले बोलबम बोलबम महाकाल का झंडा लेकर के सभी कोई बिल्कुल बाबा धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं चलिए बिल्कुल यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे फ्रंट कैमरे से बिल्कुल देख सकते हैं और सभी कोई बिल्कुल बाबा धाम की तरफ जल बोलबम लेकर के बढ़ रहे हैं और सभी कोई लगभग आ चुके हैं और कांवरियों का झुंड जो है बिल्कुल बना हुआ है। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक करके आपको बैक कैमरे से बिल्कुल दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कांवरिया का थोड़ी सी बनी हुई हल्का लगभग थकानी सा महसूस कर रहे हैं और लगभग इस सब बाबा धाम की आ चुके हैं। और चलिए बिल्कुल आगे का माध्यम से मैं आपको नज़ारा अवगत करा रहा हूँ। कांवरियों का जो भीड़ बना हुआ है अभी तो फिलहाल इधर से उतने खाली है नहीं जितना देख सकते हैं। और चलिए बिल्कुल आगे का नज़ारा मैं आपको अवगत कर देख सकते हैं जो कांवरियों का जो भीड़ बना हुआ है किस प्रकार है और सभी कोई जो है जल उठा करके कैसे बाबा धाम किसे मतलब सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम की तरफ चल रहे हैं और बिल्कुल भीड़ बना हुआ है और सभी कोई देख सकते हैं जल लेकर के बिल्कुल बाबा धाम की तरफ सभी कोई बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको नज़ारा यहाँ से दिखा रहा हूँ कैमरे में कैद करके देख सकते हैं। चलिए आगे का नज़ारा बिल्कुल मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ बिल्कुल खाली सी बनी हुई है देख सकते हैं, यहाँ भी कांवरियों का जो भीड़ बना हुआ है जो लाइन लग करके सभी कोई बिल्कुल आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं बिल्कुल यहाँ से नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ देख सकते हैं और जो भीड़ बोलबम हल्की फुल्की भीड़ अभी आ रही है और बिल्कुल अभी शाम का समय हो चुका है और कांवरिया जो है बिल्कुल बना हुआ है, सभी कोई लाइन में कतारबद्ध होकर के आ रहे हैं और देख सकते हैं सभी कोई बाबा धाम की तरफ लेकर के बढ़ रहे हैं। बोलबम 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 देख सकते हैं कांवरियों का जो झुंड बना हुआ है बिल्कुल लाइन बंद करके आ रहे हैं, सभी कोई लाइन लेकर के जा रहे हैं। आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, बने रहिए, देखिए नज़ारा बोलबम का कैसे है, कैसे कतरी कांवरिया सब आ रहे हैं। देख सकते हैं कांवरियों का जो झुंड बना हुआ है बिल्कुल सभी कोई लाइन में लग करके आ रहे हैं और नज़ारा बिल्कुल यहाँ को मैं दिखा रहा हूँ, भीड़ बनी हुई है और सभी कोई लाइन बंद लग करके आ रहे हैं। बोलबम
देख सकते हैं जो भीड़ बनी है, और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल आपको मैं आगे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए आप बोलबम, आप कब जल उठाए आप अपना? अभी जल उठाए हैं हम, 11 बजे उठाए हैं जल। 11 बजे? कब दिन में? कब कब उठाए? 11 बजे दिन में। आज के डेट में? आज डेट में उठाए भाई। यहाँ पे आ गए? आ गए हैं। तो बोलबम है, डाक बम है? नहीं नहीं, हम लोग बोलबम है। तो गाड़ी से ना, पैदल से? नहीं, गाड़ी से है। हाँ, गाड़ी बम, गाड़ी बम है। हाँ जी जी जी। तो इस बार कैसा बोलबम? पहली बार आने, पहले भी आ चुके? नहीं, दूसरा साल हम लोग का है, दूसरा साल हम लोग का है। यहाँ का देख करके जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, यहाँ जो है बाबा का कृपा है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जो है। तो इस बार पहली बार आने, पहले भी आ चुके बाबा? एक बार पहले आए थे, पहले भी आए, पहली बार आए थे। तो इस बार आपको रास्ते का सुविधा कैसे देखने को मिलेगा बाबा धाम में? बहुत बढ़िया लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो है काम काज में बहुत बढ़िया काम किए हैं, है रास्ता बहुत बढ़िया मिला हम लोगों को है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जिम्मेदारी, यहाँ का हर व्यवस्था बहुत देखने में बहुत अच्छा मिला हम लोग है। हाँ, और आपको जो रास्ते में कहीं बारिश वगैरह मिला ना, धूप कैसा रास्ते का? हाँ, रास्ते में हल्का हल्का ये बारिश मिला, धूप भी मिला है, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। व्यवस्था वगैरह जो धर्मशाला वगैरह फ्री जो निःशुल्क सेवाएं जो था वो सब अच्छा था? हाँ हाँ, सब बढ़िया मिला, सब बढ़िया मिला। चलिए बाबा धाम आप बिल्कुल आ चुके हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर बाबा धाम है। जी, जी, आज जी, का डेट में जल चढ़ाइएगा ना? जी जी, आज हाँ आ चढ़ाएंगे। यहाँ से अब आराम से शाम तक जल चढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। बोलबम बोलबम बोलबम। चलिए, कुछ बम से बात किए, इनसे जानकारी करके बहुत अच्छा लगा। और चलिए बिल्कुल आगे का वीडियो आपको नज़ारा बिल्कुल दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बैक कैमरे के माध्यम से।